आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रूव्ड महाविद्या कॉलोनी बनाई गई, जो भूमि विकास प्राधिकरण ने नजूल विभाग से अधिग्रहण कर लोगों को मकान और प्लॉट दिए थे। अब महाविद्या कॉलोनी के लोग अपने मकानों को फ्री होल्ड कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जबकि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को नजूल विभाग से फ्री होल्ड कराकर इन महाविद्या कॉलोनी के मकानों को फ्री होल्ड कर देना चाहिए, जबकि इसकी रिपोर्ट शासन से भी मांगी गई, बावजूद इसके अधिकारियों ने नहीं की कोई सुनवाई। इसी बात को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी पीड़ा जाहिर की। अब देखना ये होगा कि क्या विकास प्राधिकरण इन महाविद्या कॉलोनी के निवासियों की समस्या का समाधान कर सकेगा या फिर ये लोग यूं ही अधिकारियों के चक्कर लगाते रहेंगे। अध्यक्ष हूँ महाविद्या विकास एवं कल्याण समिति का। ये महाविद्या कॉलोनी को फ्री होल्ड करने की समस्या है और ये जो महाविद्या कॉलोनी है पहले विकास प्राधिकरण के नाम फ्री होल्ड होगी और विकास प्राधिकरण हमें फ्री होल्ड करेगी। सन 2013 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी और उसमें ये निर्णय भी हो गया था कि ये 3,70,00,000 विकास प्राधिकरण जमा करे। विकास प्राधिकरण ने 1,30,00,000 जमा कर दिया, पर विकास प्राधिकरण का कहना ये है कि हमें इसमें से सड़क और पार्क जो जन सुविधाओं की जमीन है उसको फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता है, उसको छोड़ते हुए फ्री होल्ड कर दें। इसके लिए शासन से दिशा निर्देश भी मांगे गए और दिशा निर्देश आ गए हैं, पर अधिकारी लोगों की ये मानसिकता बनी हुई है कि हर मामले को लटकाए रहो, अटकाए रहो और किसी भी हालत में कोई काम करके नहीं दो जिससे पब्लिक परेशान हो। 725 लोग इस कॉलोनी में रहते हैं, वो सभी परेशान हो रहे हैं। आज भी करीब करीब 50 लोग आए थे जिलाधिकारी से मिलने और उन्होंने हमारी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। फिर ये फ्री होल्ड जो है पहले नजूल विभाग से विकास प्राधिकरण के नाम होनी है, लेकिन हमकी वकालत हमको करनी पड़ रही जबकि ये काम विकास प्राधिकरण को करना चाहिए। विकास प्राधिकरण कोई ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि हम लोगों का शोषण होता है, पैसे देकर के सारे काम करा के लाने पड़ते हैं, इसलिए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है विकास प्राधिकरण का। हम लगे हुए हैं उसके बाद भी अधिकारी सुनना नहीं चाहते इस पूरे प्रकरण को। ये पिछले 22 साल से इसी तरीके से लगे हुए हैं, बराबर कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। शासन से पत्र भी आ गया करने के लिए लेकिन अभी फिर भी उसके बाद वो सुनना ही नहीं चाहते। जो शासन से लखनऊ 27 दिसंबर को जो चिट्ठी आई है उसको भी नहीं सुनना चाहते। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। ब्रज की बोली मिठलौनी जी, ब्रज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रज भूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।